हेलो स्टूडेंट माई सेल्फ आदर्श रुवंशी और आज हम लोग पढ़ेंगे रिवीजन में जॉइंट्स ज्वाइंट्स के बारे में देखेंगे कि टाइप ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं ज्वाइंट्स क्या होते हैं टाइप ऑफ ज्वाइंट्स क्या होते हैं इन सब के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो जब हम बात करते हैं जॉइंट्स की तो क्या बोलते हैं कि एनी टाइप ऑफ मूवमेंट इन आवर बॉडी इज मेड पॉसिबल बाई ज्वाइंट्स मतलब आप कोई भी मूवमेंट अपनी बॉडी में करते हैं अपने हाथ पैर को हिलाते हैं तो किसके थ्रू होता है जॉइंट्स के थ्रू ही पॉसिबल है तो जॉइंट्स तो उसको कहेंगे जॉइंट्स उसको बोलेंगे जहाँ पे दो बोन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं टाइटली टाइटली ज्वाइंट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है और वहां पे क्या होगा जॉइंट्स क्या होते हैं बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करते हैं ठीक है मतलब जहां पे दो बोन एक दूसरे से क्या होंगे स्ट्रांगली और इलास्टिक बॉन्ड से जुड़े होंगे जिसको हम लिगामेंट बोलेंगे लिगामेंट के थ्रू जुड़े होंगे उसको बोलेंगे ज्वाइंट्स उसको क्या बोलेंगे ज्वाइंट्स मोस्ट ऑफ द केस में देखने को क्या मिलता है कि ज्वाइंट्स के पास क्या देखने को मिलता है कार्टलेज होता है कार्टलेज एक सॉफ्ट टिशू होता है सॉफ्ट बोन भी बोलते हैं ठीक है तो दैट प्रिवेंट द बोन टिशूट ये क्या करता है कार्टलेस करता क्या है कर, करता है कि जब दो बोन आपस में जब पास पास रहती है जहां पे जुड़ा होता है तो वो बोन जब एक दूसरे अपना हाथ लगाओगे या पैर लगाओगे तो वो क्या होगी एक दूसरे से फ्रिक्शन करेगी फ्रिक्शन की वजह से बोन आपस में रगड़ने की वजह से क्या होगी रबिंग होगा जिसके वजह से पेन होगा ठीक है जैसे बुढ़ापे में लोगों को ऑर्थराइटिस हो जाता है है ना इसी की वजह से क्योंकि उनका कार्टिलेज घिस जाता है तो होता क्या है कि दो बोन के बीच में कार्टिलेज होता है जो कि क्या प्रिवेंट करता है जो काम करता है रबिंग जो हो रही है उसको रोकने का काम करता है बोन में ठीक है ये दो बोन के बीच में देखने को मिलता है और देखो क्या मिलेगा तो जैसे हम बात करते हैं अपने जैसे आप इसमें लिखा है टच द अपर पार्ट ऑफ ईयर लोग जैसे अपने आप ईयर लोब को टच करते हैं ईयर पिन्ना को टच करते हैं तो ये क्या होता है सॉफ्ट हो या हार्ड होता है ये मोस्टली सॉफ्ट होता है क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है काटलेस से मिलकर बना हुआ है ठीक है तो हमारी बॉडी में जॉइंट्स बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं बहुत तरह के जॉइंट्स हैं तो जो हमारी बॉडी में क्या प्रोवाइड करते हैं मोबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी ठीक है ये सारी चीज़ प्रोवाइड करते हैं ठीक है तो मोस्टली जब हम बात करते हैं जॉइंट्स में तो जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं दो तरह के मोबाइल और इन मोबाइल ज्वाइंट्स मोबाइल ज्वाइंट्स इसको बोलते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर अपना अपने आप को हिलाएं तो वो मूवमेंट में हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल हाथों के जॉइंट्स पैरों के जॉइंट्स ठीक है और हमारे बैकबोन के जॉइंट्स और जब हम बात करते हैं इन मोबाइल जॉइंट्स वो जॉइंट्स जो फिक्स होता है फिक्स जॉइंट होते हैं ये मूव करने में हेल्प नहीं करता है फॉर एग्जाम्पल स्कल के जॉइंट्स ठीक है जो स्कल होता है उसके जॉइंट्स तो हम जब देखते हैं तो जॉइंट्स को जब देखेंगे तो टाइप ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं तो फोर टाइप ऑफ ज्वाइंट देखने को मिलते हैं फर्स्ट होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स दूसरा होता है हिंड ज्वाइंट फिर देखने को क्या मिलता है नेक्स्ट होता है पावुड ज्वाइंट्स फिर ग्लिडिंग ज्वाइंट्स देखने को मिलते हैं तो इसमें सबसे पहला कौन सा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स इसमें स्ट्रक्चर को देखोगे समझ आ जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स में देखने को क्या मिलता है कि बोन मतलब बोन के एंड में जहाँ पे एक बोन का एंड होगा वहाँ पे क्या होगा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना होगा जो किसी कप लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा कप लाइक कैविटी में फिट होगा जिसको हम सॉकेट बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे सॉकेट इसी को बोलते हैं क्या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं इसको बोलेंगे बॉल और उसको बोलेंगे सॉकेट तो एंड पॉइंट पे जहाँ पे सबसे एंड पॉइंट है बोन का उसको हम उस वहाँ पे क्या हो रहा है जहाँ सबसे एंड पॉइंट है बोन का वहाँ पे बॉल है और उसी बॉल में फिट क्या होगा वो बॉल फिट कहाँ पे होगा वो सॉकेट में फिट होगा जो सी लाइप स्ट्रक्चर होता है और कप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ठीक है ये सारी बात देखने को मिलता है ठीक और ये क्या करता है ये मतलब ये अपर आर्म में देखने को क्या मिलता है शोल्डर में देखने को क्या मिलता है ठीक है ये मोस्टली हाथों को घुमाने में हेल्प करता है शोल्डर बोन के पास देखने को मिलता है ठीक है तो ये हैंड uh, को एनी डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में मूव कराने के लिए हेल्पफुल होता है ठीक अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ज्वाइंट में हिंड ज्वाइंट हिंड ज्वाइंट की बात करते हैं तो ये आपकी कहनू जो कोहनी की हड्डियाँ होती हैं वहाँ की जॉइंट्स की बात हो रही है जहाँ पे देखने क्या मिलता है कि यहाँ पे कोई बॉल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है एक बोन के बगल में एक बोन रखी रहती है तो यहाँ पे क्या होता है दो बोन एक दूसरे से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जुड़े होते हैं जो कि एक दूसरे से लिगामेंट के थ्रू जुड़े होते हैं और वो अप और डाउन डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करते हैं अप और डाउन डायरेक्शन में बस मूव कराने में हेल्प करते हैं जैसे नी के ज्वाइंट्स एब्लो के ज्वाइंट्स ये सब ही ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं हंड ज्वाइंट्स ठीक फिर देखने को क्या मिलते हैं पाईवोड ज्वाइंट पाइवोड ज्वाइंट्स मोस्टली देखने को क्या मिलता है नेक की गर्दन गर्दन के अंदर देखने को क्या मिलता है ठीक है गर्दन में देखने को क्या मिलता है इसको आप वन एटी डिग्री पे मूव करा सकते हैं ठीक है इसको कहाँ पे मूव करा सकते हैं वन एट्टी डिग्री पे रोटेट करा सकते हैं एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको बोलते हैं पावोड जॉइंट्स ठीक है ये मोस्टली कहाँ पाया जाता है नेक में पाया जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है फिर उसके बाद लास्ट ज्वाइन है आपकी ग्लीडिंग ज्वाइंट इसके अंदर देखने को क्या मिलता है कि ये हाथों के पास पंजे में जो पाए जाने वाली जो बोन्स होती हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे मल्टीपल बोन्स छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे से फिक्स होती हैं एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ठीक है जो कि लिमिटेड मूवमेंट को प्रोवाइड करती हैं जो हल्का फुल्का मूवमेंट कर सकती हैं आपकी जो हथेली है उसमें बहुत ही कम मूवमेंट देखने को मिलता है ठीक है आपके हथेली और जो है पूरा पर्टिकुलर एरिया उसमें क्या होता है मूवमेंट कम होता है लेकिन होता है मूवमेंट ठीक है लिमिटेड मूवमेंट को हेल्प ध्यान रखना वर्ड ही यहीं पे एक छोटा सा वर्ड है जो ग्लाइडिंग ज्वाइंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है लिमिटेड मूवमेंट ठीक है वो तो क्या होता है लिमिटेड मूवमेंट तो यहाँ पर क्या होता है टू बोन्स और मोर देन टू बोन्स भी देखने को मिलते हैं ठीक तो ये थर्ड को आप लोग को पता ही करना ही है ठीक है जिसमें आप सिंपल सा है काटलेस क्या होता है ठीक है ये सारी चीज़ें दी गई हैं ओके फिर उसके बाद हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ बोन बोन के मूवमेंट की बात करते हैं कि बोन कैसे मूव करते हैं तो बोन का जो मूवमेंट होता है मतलब ये जो आ, आप देखोगे जो लिम्ब है ठीक इस लिम्ब में देखोगे कि जो रेड कलर का बनाया गया है फो फिगर नंबर वन पॉइंट वन फोर में तो इसमें क्या है जो रेड कलर का बनाया गया है वो मसल्स है ठीक है ये बाइसेप्स का हो गया पीछे ट्राइसेप्स का हो गया मसल्स ठीक है तो होता क्या है कि मसल्स हेल्प करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ बोन जो मूवमेंट बोन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है तो मसल्स मसल्स जो कि बोन से अटैच होते हैं जिस पॉइंट से अटैच होते हैं या जिस बोन टिश्यू से अटैच होंगे उसको क्या बोलेंगे टेंडाउन बोलेंगे क्या बोलेंगे टेंडाउन तो मसल्स वर्क इन पेयर ठीक है मसल्स किस में वर्क करते हैं पेयर में वर्क करते हैं एक अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा किस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में और वन साइड मतलब वन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दोनों बात हो रही है एक ऊपर की तरफ खींचेगा तो दूसरा अपने आप पीछे हो जाएगा और दूसरा पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ खींचेगा तो दूसरा अपने आप नीचे की तरफ हो जाएगा मतलब अपने हाथ को आपने उठाया तो बाईसेप्स फूल गया और फिर सीधा किया तो बाईसैप्स नीचे आ गया तो ये वाली बात हो रही है ठीक है तो ये किसके थ्रू होता है ये होता है ये आप देखोगे मस, मसल्स के अंदर देखने को क्या मिलता है मसल्स कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन की वजह से देखने को मिलता है कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कैल्शियम आयन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट आयन है जो कि मसल के मूवमेंट में हेल्प करता है ठीक है ये हर जगह देखने को मिलता है आप देखोगे पे देख लोगे आपका थाई मसल्स देख लोगे आपका वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये हर जगह देखने को मिलेगा तो यहाँ पे लिखा लिखो क्या लिखा गया है द मसल्स कॉल्ड फ्लैक्सोल कॉन्ट्रैक्ट ओके ये पूरा वही वाली बात है ये हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पुल अप करते हैं तो वहाँ पे फ्लेक्सोर हो रहा है और जब हम अपने आप को रिलैक्स स्टेट में रहते हैं तो वहाँ पे क्या रहा हो रहा है एक्सटेंडस हो रहा है ठीक है तो वहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है सिंपल सी चीज़ है मतलब आप एक वर्ड को ध्यान रखिएगा कॉन्ट्रैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स टू हेल्प द मूवमेंट ऑफ बोन एंड बॉडी मूवमेंट और बॉडी मूवमेंट ठीक है ये सिंपल सी बात है ठीक है तो बोन मूवमेंट ऑफ बोन को कौन कराता है मसल्स कराते हैं ठीक है मसल्स हमेशा किस डायरेक्शन कराते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और वन साइडेड और वन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ठीक है ओके okay. उसके बाद आता है एक्सरे इमेज एक्सरे इमेज मेडिकल डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है हॉस्पिटल एंड लैबोट्रीज में डॉक्टर जनरली प्रीफर करते हैं एक्सरे इमेज को लेने के लिए जब होता क्या है कि जब बोन में कोई इंजरी हो जाती है अब कहीं से बोन फ्रैक्चर हो जाता है या बोन कहीं से ब्रेक कर जाता है टूट जाता है उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं डॉक्टर प्रीफर करते हैं एक्सरे मशीन में कि आप एक्सरे जाके करा सकते हैं ठीक है तो होता क्या है कि एक्सरे बीम छोड़ी जाती है पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे एक्सरे जब जा छोड़ी जाती है तो एक्सरे क्या करती है पेनिट्रेट कर देती है स्किन और मसल्स को लेकिन बोन को पेनिट्रेट नहीं कर पाती जिसकी वजह से बोन का इमेज बोन का इमेज या फिर स्काल्टन का जो इमेज है वो फिल्म के ऊपर छुड़ जाता है इसीलिए उस फिल्म को हम क्या क्या करते हैं फिल्म को फिर देख लेते हैं फिल्म को देख के बता सकते हैं कि हां कि कहां पे आपके बोन फ्रैक्चर हैं ठीक है एक्सरे किसको क्रॉस कर जाती है मसल्स और स्किन को पार कर जाती है डायरेक्ट ठीक है इसको उसका इमेज नहीं आता है ठीक है बस किसका इमेज आता है बोन का ओके मोमेंट एंड सम अदर एनिमल और कुछ एनिमल के अंदर हम लोग मूवमेंट करते हैं देख लेते हैं जिसके अंदर हो सकता है कि देखो तो हम लोगों ने अभी तक मूवमेंट इन ह्यूमन पढ़े हैं ना अब हम ह्यूमन क्या है इंडो स्केलेटन ह्यूमन क्या होता है इंडो स्केलेटन अब हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे एनिमल की जिसके अंदर हो सकता है कि कोई भी बोन ना हो या फिर हो सकता है कि उसके अंदर किस टाइप के स्केलेटन होंगे एक्जो स्केलेटन देखने को मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि जिस वो एनिमल जिसके अंदर कोई तरह के कोई भी टाइप के बोन नहीं होते हैं तो भी उसके अंदर मूवमेंट होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल हम जब बात करते हैं तो वो हो गया आपका अर्थफॉर्म या स्नेल हो गया लेकिन जब हम बात करते हैं कि एग्जोस्कल्टन की बात करते हैं तो एग्जोस्कैल्टन में कौन आता है आपके जो आर्थोपोर्ट्स में आते हैं आर्थोपोर्ट मतलब आप कॉकरोच आ गया उसमें मच्छर आ गया मॉस्किटोज ठीक है मतलब जितने भी इंसेक्ट होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं आर्थोपोर्ट्स इन सब की बात हम कर रहे हैं ठीक है तो जैसे इसमें क्या दिया गया है अर्थवाम सबसे पहला किया दिया गया है तो अर्थवाम फिगर नंबर वन पॉइंट वन फाइव में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है कि अर्थ फॉर्म क्या स्ट्रक्चर क्या होता है सिलेंड्रिकल इनसेप होता है इसमें मेनी जॉइंट्स होते हैं रिंग जॉइंट्स जो इन टू इंड जुड़े होते हैं ठीक है इसकी बॉडी में कोई भी बोन देखने को नहीं मिलता ठीक है अर्थफार्म तो अर्थफार्म कैसे मूव करते हैं तो अर्थफार्म मूव करते हैं रिंग जो इनके अंदर पाया जाता है वो और बहुत सारे मसल्स की वजह से ठीक है इसके अंदर देखो ना क्या मिलता है थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थिन हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम लोग ब्रिस्टल्स बोलते हैं ठीक है, है? ब्रिस्टल्स बोलेंगे फिर अर्थवाम मूव कैसे करता है अर्थवाम मूव करता है मसल्स के थ्रू ठीक है अर्थवाम मूव कर रहा है मसल्स के थ्रू ये देखो लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन आता है आप लोग में कि जैसे बोला जाता है कि अर्थवाम और स्नेल के अंदर जो मूवमेंट होता है मसल्स के थ्रू होता है तो स्नेल के अंदर जो मस, मस्कुलर फूड के थ्रू होता है ठीक है स्नेल के अंदर जब बात करेंगे तो मस्कुलर फूड के थ्रू होता है अर्थव के अंदर ओनली उन, मसल्स के थ्रू होता है ठीक है तो मसल्स क्या करती है जो एक्सटेंड होती हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी एंड रिलैक्स होगी तो क्या होगा उसके हिसाब से अर्थवम आगे की तरफ या पीछे की तरफ या फिर वो सॉयल में मूवमेंट दिखाते रहते हैं ठीक है ठीक तो पहले अर्थवॉर्म क्या करते हैं पहले अपने आप को एक्सटेंड करते हैं जिसकी वजह से उनका फ्रंट बॉडी पार्ट आगे की तरफ हो जाता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो फिक्स हो जाती है सॉइल में ठीक फिर उसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करते रहते हैं तो इसकी तरफ वो हो क्या होते हैं आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करने के थ्रू वो क्या होते हैं अर्थफॉर्म एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और यही रिपीटेड मूवमेंट एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रेक्सेसन हेल्प द अर्थवॉर्म टू मूव इन द सॉयल ठीक है ये हम लोग अभी बात कर रहे थे अब हम लोग बात करते हैं स्नेल पे इस स्नेल के ऊपर पढ़ते हैं तो इस स्नेल के ऊपर देखते हैं तो उसके ऊपर रहता है सेल सेल क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट का बोन भी होता है ठीक है ध्यान रखना तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है सेल भी तो ये सेल जो सेल जो है ये आउटर स्केल्टन है किसका है? स्नेल का आउटर स्केल्टन है सेल का स्नेल का आउटर स्केल्टन है ठीक है तो सेल का जब मूवमेंट होता है लेकिन ये आउटर स्केल्टन के थ्रू नहीं होता ये किसके थ्रू होता है मस्कुलर फूड के थ्रू होता है अंडरलाइन कर लो इस चीज़ को स्नेल का जो मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है मस्कुलर फूड के थ्रू होता है ठीक है और ये जो फूड प्रोवाइड करता है क्या ये जो फूड प्रोवाइड करता है कॉन्ट्रेक्टेशन और रिलैक्सेशन एक ही पॉइंट पे से मतलब वो एक ही जगह से क्या प्रोवाइड करता है मस्कुलर फूड प्रोवाइड कॉन्ट्रेक्टेशन एंड रिलैक्सेशन इन इट्स मसल्स दैट्स वाई दैट्स वाई स्नेल कैन मूव फ्रॉम एनी डायरेक्शन किसी भी तरफ वो मूव कर सकते हैं इट ऑल्सोक्रिट ये देखो ये क्या सिक्रिट करता है ये सिक्रीट करता है म्यूकोस म्यूकस सिक्रीट करता है म्यूकस जो कि क्या होता है बहुत ही फ्लैक्स वो बहुत ही फ्रिक्शन लेस इन्वॉमेंट क्रिएट करता है फ्रिक्शन लेस प्रॉपर्टीज हो करता है इसीलिए मोस्टली स्नेल जो होते हैं ये अपने आर्मी से बचने के लिए ये मोस्टली यूज करते हैं ठीक है रफ एरिया में भी ये मूव कर सकता है ठीक स्नैल रफ एरिया में भी मूव कर सकता है और अपनी आ, दुश्मनों से बचने के लिए भी हेल्प में लाता है उसके बाद आता है कॉकरोच कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच क्या होता है कॉकरोच होता है आपका मोस्टली एक्सो स्कल्टन जिसका स्कल्टन बाहर की तरफ होता है इसीलिए इसको बोला जाता है दिस आउटर स्कल्टन इज मेड यूनिट्स दैट अलाउ मूवमेंट ठीक है ध्यान सुनिए इसका मतलब वो ये हो गया कि जो कॉकरोच होता है ये होता है एक्जो स्कल्टन से मिलकर बना है। इसके अंदर इसके अंदर का होता है एक्जो स्कल्टन जिसका स्कल्टन बाहर की तरफ होता है लेकिन इसके अंदर स्कल्टन कैल्शियम कार्बोनेट का नहीं होता बोन बोन नहीं होता इसके अंदर स्कैल्टन तो होता है लेकिन ये एक्जो बाहर की तरफ होता है इसके अंदर जो स्कैल्टन होता है वो बना होता है काइटीन का किसका बना होता है काइटीन का नोट कर लो कहीं पर ठीक है काइटीन का बना होता है और इसके अंदर जब हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच में नंबर ऑफ ज्वाइंट्स ढेर सारे पाए जाते हैं और यही ज्वाइंट्स इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है तो इसमें देख लो क्या मिलता है कॉकरोच में कॉकरोच में ले लो या फिर फ्लाई में ले लो किसी में भी ले लो थ्री पेयर ऑफ लेग देखने को मिलते हैं कितने पेयर थ्री पेयर ऑफ लेग देखने को मिलते हैं ठीक है दो पेयर ऑफ विंग देखने को मिलता है जो कि क्या करता है मूव करने में हेल्प करता है कॉकरोच को ठीक है और उड़ने में भी, भी हेल्प करता है ठीक ओके उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिश की जो फिश की बात करते हैं तो फिश इंडोस्केलेटन है इसके अंदर बोन कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है ठीक है ओमेगा थ्री फैटी एसिड से भरा होता है फिश इसीलिए गुड फिश मतलब गुड फैट भी बोलते हैं ओमेगा थ्री फैटी एसिड को मतलब होता है गुड फैट ठीक है इसके अंदर ये देखने को क्या मिलता है वाटर में बहुत तेज़ी से मूव कर सकती हैं कौन फिशेस क्योंकि ये क्या होती हैं एरोडाइनमिक सेप की होती हैं और ये टेल साइड से अपने डायरेक्शन को चेंज करती हैं जब एक जगह से दूसरी जगह जब कोई भी चीज़ जाती है तो टेल साइड से अपने आप को चेंज करती हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए ठीक है तो ये सारी चीज़ देखने को क्या मिलती है किसके अंदर फिश के अंदर देखने को मिलती है ठीक है तो फिश जो आ, एक बोला जाता है इंडोस्कैल्टन वाला प्रॉपर्टी अपने पास रखता है बर्ड बर्ड के अंदर हम जब बात करते हैं तो बर्ड के अंदर जो बोन होती है वो कैसे होती है होलो ध्यान रखना क्योंकि होलो रहेगा तो उसके अंदर एयर ज़्यादा भरा रहेगा जब एयर भरा रहेगा तो बोन क्या होगी हल्की होगी जिसकी वजह से बर्ड उड़ सकती है तो इसीलिए बोला गया है बर्ड ऑल्सो हैव स्टूडेंट बॉडी सेफ ओके विच हेल्प देम टू कट थ्रू एयर ओके ये भी देखो एरोडाइनमिक होती है बर्ड भी ठीक है क्योंकि उसको हवा को कट करना होता है बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स टू मूव देअर विंग ओके इसके अंदर रेड मसल्स ज़्यादा पाया जाता है नोट कर लो स्ट्रॉन्ग मसल का मतलब कौन सा हो गया रेड मसल्स दीज मसल आर अटैच टू ब्रेस्ट बोन ओके ब्रेस्ट बोन बोलते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है ठीक है इसका क्योंकि इनका जो बोन होता है बर्ड का वो क्या होता है होलो जिसकी वजह से क्या होता है ये बोन बोन की जो वेट होती है वो बहुत लाइट हो जाती है हाइट मतलब बोन की जो वेट होती है क्या होती है कम हो जाती है जिसकी लाइट वेट हो जाती है जिसकी वजह से मूव ईजिली मूव कर सकते हैं ईजिली उड़ सकते हैं ठीक है कुछ बर्ड्स ज़्यादा उड़ ज़्यादा देर तक स्वेल स्विम नहीं कर सकती हैं हवा में या, या फिर बहुत बहुत ज़्यादा उड़ नहीं सकती हैं क्योंकि इनके इनके बोन में क्या होता है? होता है इनके बोन में मोस्टली देखने में क्या मिलता है कि एयर सैक देखने को नहीं मिलता मतलब इसके बोन में होलो एरिया देखने को नहीं मिलता ठीक है उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्नैक का स्नेक की बात करते हैं तो स्नेक मूव करता है ग्राउंड पे ठीक है एक पर्टिकुलर लाइन में ये अलाइनमेंट नहीं होते हैं ठीक ये जिग जैक मैनर में मूवमेंट करते हैं ठीक ये नहीं कि सीधे चलें ये किस तरह चलते हैं जिग जैक मैनर में ठीक है स्नेक के अंदर देख क्या मिलता है लॉन्ग बैक बोन विच इज वेरी फ्लैक्सिबल ये uh, देखो विच इज वेरी फ्लैक्सीबल एंड मे इंटरकनेक्टेड मसल्स दैट हेल्प इन एंड दैट हेल्प इट इट्स टू मूवमेंट मूव ठीक है दिस मसल्स आर ज्वाइंट बैक बोन एंड रिब्स ओके सिंपल सीज है इसके अंदर क्या होता है मैक्सिमम बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं मसल्स के थ्रू जो हेल्प करता है मूवमेंट में और जब मसल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं मसल्स एक दूसरे से भी जुड़ी होती हैं बोन्स भी जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से क्या होता है स्नेक आगे की तरफ मूवमेंट करता है ये हमारे क्वेश्चन सेंस और ये हमारे फोर पॉइंट पे जो क्वेश्चन दिया गया है वो समरी आपको पता ही है ठीक है इसमें एक बार इसको देख लीजिएगा इसके बाद हमारा ये चैप्टर हो गया ख़त्म इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट हम लोग रिवीज़न का होगा तो रिवीजन पढ़ा जाएगा अदरवाइज हम लोग अपने जो कंटिन्यू चल रहा था चैप्टर उसी को डील करेंगे आई होप समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमको दोबारा आप हमसे बात कर सकते हैं और समझ में आ रहा है तो लाइक वीडियो को शेयर कीजिए ठीक है सब्सक्राइब करो चैनल को थैंक यू